नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में Xiaomi अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन Redmi 7 को लॉन्च कर दिया। Redmi 7 में 6.26 इंच HD प्लस 720x1520 पिक्सल डिस्प्ले है। इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। Redmi 7 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल हुआ है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 1.8 GHz ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर है। यह हैंडसेट 2 रैम विकल्प में आता है, 2 GB और 3 GB स्टोरेज का एकमात्र विकल्प 32 GB है। दोनों ही वेरिएंट में 512 GB तक के माइक्रो SD कार्ड के लिए स्पोर्ट है। बता दें कि इस हैंडसेट में अलग से माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। डुअल नैनो सिम वाला Redmi 7 एंड्रॉइड 9 पाई पर आधारित MIUI 10 पर चलता है। अब बात कैमरा सेटअप की। Redmi 7 में फोटोग्राफी के लिए 2 रियर कैमरे दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर। सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा यह हैंडसेट AI स्मार्ट ब्यूटी, सेल्फी टाइमर और फेस अनलॉक जैसे फीचर से लेस है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 4G OLTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, USB, इन्फ्रेड IR ब्लास्टर और 3.5 mm हेडफोन जैक शामिल है। Redmi 7 में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। रैम और स्टोरेज पर आधारित Redmi 7 के 2 वेरिएंट भारत में लॉन्च किए गए हैं। Redmi 7 के 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 7,999 रुपये है। इसके 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट को 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Redmi 7 की पहली सेल 29 अप्रैल को होगी।